देखो, ना तो मैं तुम लोगों को जानती हूं और ना ही तुम जैसे लोग स्नेहा के दोस्त हो सकते हैं। कि तुम्हारे पढ़ाई के लिए कंप्यूटर जरूरी है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज वंडा, जल्दी आ जाओ प्लीज। 600 बच्चा गया तो किधर गया? उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। बाय प्रेम। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? फादर, मैंने पूछा तुम लोग अंदर कैसे आ गए? यू टेल मी प्रेम, रूम तो लॉक था ना, तुम्हें चाबी किसने दी? नहीं बताओ केशव। केशव जी, चाबी तो तुम्हारे पास थी क्या? जी फादर। तो फिर मेरे परमिशन के बगैर तुमने रूम खोला कैसे? कुछ बच्चे जानबूझकर इन बच्चों को कंप्यूटर पर आने नहीं दे रहे थे फादर। ये बार बार आए और वापस चले गए। ये बच्चे गरीब हैं फादर, मुझसे इनकी परेशानी देखी नहीं गई तो। आने वो लोग प्रेम, केशव जी। जी सर। तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। फादर प्लीज, घर से आने की जरूरत नहीं है। नहीं फादर प्लीज, इन्होंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, आप इन्हें मत निकालिए। निकाले तो हमें निकालिए। वाय यू प्रेम, फादर को सच क्यों नहीं बताते? घर में कंप्यूटर होने के बावजूद भी शान और उसका ग्रुप यहाँ पर आकर कंप्यूटर ऑक्यूपाई किए जाते हैं। इन लोगों को जानबूझकर यहाँ पर नहीं आने दिया जाता। वो डरते हैं कि कहीं प्रेम शान से आगे ना निकल जाए। वेल, केशव जी, तुमने जो भी किया अच्छे के लिए किया है, मगर तुम्हारा तरीका गलत था। तुमने मुझसे पूछना तो चाहिए था ना? फादर यू आर राइट, पर प्लीज इन्हें नौकरी से मत निकालिए। आई प्रॉमिस अगली बार ऐसा नहीं होगा। थैंक यू, इट्स ऑल राइट, कंटिन्यू। थैंक यू सर। साहब, पूरा जलेबी वाड़ा छान मारा, वो छोकरे लोग का कहीं भी पता नहीं चला। सुबह से रात हो गई साहब, कुल्फी और फालूदा दोनों का कुल्फी जम गया है साहब। मिस्टर कुमार, क्या किया जाए? उस बच्चे को ढूंढे तो कहां ढूंढे? मनचंदा, मेरे ख्याल से वो लड़का जलेबी वाड़ा में ही है। 20 अप्रैल की रात को उस लड़के ने उस स्पॉट से उस डिवाइस को उठाया और जलेबी वाड़ा में गायब हो गया। इसका मतलब है कि वो जलेबी वाड़ा में ही है। I'm sure about it. अंकल, 20 अप्रैल को प्रेम मेरे साथ पिकनिक स्पॉट पर था और उस रात मैंने प्रेम को कुछ चीज छुपा कर लाते हुए देखा था, और अंकल प्रेम जलेबी बाड़ा में ही रहता है। सुना सुना मंचदा? सुना मिस्टर कुमार, इससे हमारा काम और भी आसान होगा। चले, याद रखना उसकी पुरानी साइकिल पहली जैसी नहीं रही, उसने उस पर रेड और येलो पेंट करवाया। देखा मनचंदा, कितना स्मार्ट है वो लड़का, स्मार्ट बॉय। ए, तुम दोनों चलो जाओ, और हाँ सुनो, स्कूल के बाहर उस लड़के का इंतजार करना, और जब तक वो बाहर नहीं आ जाता वहीं रहना। गो। ओके बॉस।
देखो शान, जो बात तुमने मुझे और कुमार अंकल को कही है, बात किसी से मत करना। बेटा भूल से भी उसका जिक्र मत करना, ओके? स्मिता, मत रो इस तरह। देखो टेंशन वाली बात तो है, हाँ काफी सीरियस है वो, लेकिन अगर भगवान ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा, और भगवान ऐसा ही चाह रहे हैं। हाँ तभी तो ऐन वक्त पे उन्होंने मेरे भाई को वहां भेज दिया। बाय द वे इनसे मिलो, मेरे भाई हैं इंस्पेक्टर विशाल। नमस्ते। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन अभी चल रहा है। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो उसे ये सजा मिल रही है। आप चिंता मत कीजिए, हमने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, पर हमें पता चला है कि उस ट्रक के पीछे दो मोटरसाइकिल वाले भी थे। हम बहुत जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। उसी सिलसिले में मुझे कुछ क्लू मिला है, मैं चलता हूं। बेटा ठीक तो हो जाएगा, वो हमारा एक ही सहारा है, बताइए ना वो ठीक तो हो जाएगा ना, बताइए ना डॉक्टर। ऑपरेशन तो हो चुका है, लेकिन 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 क्या डॉक्टर साहब, बताइए ना क्या बात है। ऑपरेशन के दौरान वो कोमा में आ चुका है। संभालो अपने आप को। माँ बताओ माँ। संभालो स्मिता, देखो देखो तुम इस तरह परेशान होगी, इस तरह रोगी तो दुनिया का क्या होगा। हुँ? वैसे डॉक्टर आपको क्या लगता है और कितना वक्त लगेगा कोमा से बाहर आने में उसे? देखिए फिलहाल तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आने वाले 48 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है। बहन जी यदि आप भगवान पर विश्वास रखती है तो उन्हीं का ध्यान करिए, वही प्रेम की रक्षा करिए। बैठ जाओ स्मिता, बैठो। पता नहीं प्रेम ने क्या बिगाड़ा है किसी का कि उसकी जिंदगी तक दांव पर लग गई।
ये जरूर बदमाशों का काम है। पता नहीं क्यों मेरे प्रेम के पीछे पड़े हैं। बदमाश? तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या बात है? अपर्णा दी, आज सुबह बस्ती के साइकिल वाले के पास दो गुंडे आए थे, प्रेम की पूछताछ कर रहे थे और उन्हीं के डर से मोहन भैया ने प्रेम की साइकिल का रंग भी बदल दिया। लेकिन फिर भी देखो ना क्या हो गया है मेरे प्रेम को। नहीं सुनते, क्या हो गया प्रेम को? संभालो अपने आप को। हेलो। बैड न्यूज जेस। अरे मनचंदा साहब आप कहिए। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? जेस, जिलेबी वड़ा वाले बच्चे के पीछे हमने जिन दो लोगों को भेजा था उनकी बेवकूफी की वजह से उस बच्चे का मेजर एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जिलेबी वड़ा वाले लड़के का एक्सीडेंट? ये तो बहुत बड़ी खबर सर। ये अच्छा नहीं हुआ सर, बहुत बुरा हुआ। यही तो मैं कह रहा हूं जेस। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि बाबू भाई ने इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए ऐसे जाहिलों को क्यों चुना। Why? चलो एनीवे जेस, जो होना था सो हो गया, मिलके बात करते हैं। गुड नाइट जेस। गुड नाइट सर। अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ ये। इस
से इसके पापा चलेंगे, तुम सबको अकेला छोड़कर ऐसी आंखें बंद की थी उन्होंने, कभी नहीं खोले। नहीं डॉक्टर सर, नहीं डॉक्टर, आपको इसे बचाना होगा, किसी भी कीमत पर बचाना होगा। ये हमारे जीने का सहारा है। इसकी छोटी सी अपाहिज बहन भी है, उसको इसकी जरूरत है। प्लीज प्लीज डॉक्टर, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, जिंदा नहीं रह पाऊंगी। धीरज रखिए मिसेस साहब, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिलीव मी, बिलीव मी। चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। साहब कल आ जाइए। ओके मैं आप, ओके ओके सर। सुस्तो प्रेम साहब कौन से रूम में है? आंटी, 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 प्रेम अब कैसा है? अभी तक आंखें नहीं खोली, बस सांसें चल रही है। आंटी फिक्र ना करो, वाहेगुरु जी के आशीर्वाद से प्रेम जल्दी ही आंखें खोलेगा। हाँ आंटी, तूने ठीक कह रहा है। तुम्हारी बाड़ी में सरस्वती का वास हो बेटे, तुम्हारा कहाँ सच होगा। आंटी होगा, जरूर होगा। हाँ आंटी, भगवान हमारे प्रेम को बहुत प्रेम करता है। ये लीजिए ब्रेकफास्ट। आंटी आपको ये खाना ही पड़ेगा, कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया था। कल रात से मेरे प्रेम ने भी तो कुछ नहीं खाया ना। आंटी जब प्रेम ठीक हो जाएगा ना, तो हम इसे इतना खिलाएंगे कि वो खाते खाते ही थक जाएगा। यस आंटी, हम अपने जलेबी पाड़ा के फेमस चाट खिलाएंगे। अपने जलेबी पाड़ा के कुल्फी फालूदे खिलाएंगे, और हम उसे अपने जलेबी पाड़ा का प्यार भी देंगे। ना ना मेरे बच्चों, रो मत। देखो बेटा, रोने से अपशकुन होता है, और फिर तुम सब तो अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो। भगवान भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा बेटा, जरूर सुनेगा। कुछ नहीं होगा उस मासूम को, कुछ नहीं होगा भाभी। मैंने उन दोनों को देखा है, और मुझे कसम है काली माई की भाभी, मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं बोल भैया, ऐसा मत कहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारा प्रेम जल्दी से ठीक हो जाए और हमारे साथ घर चले। ठीक है भाभी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। देवी माँ, आप मुझे नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं इस मंदिर में पहली बार आई हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पूजा कैसे की जाती है, प्रार्थना कैसे की जाती है। समझ लो जैसे सब लोग पूजा करते हैं वैसे मैंने भी कर ली। मैं बस आपसे एक ही बात करने आई थी। मेरे भैया को जल्दी से ठीक कर दो देवी माँ, वही तो मेरा सहारा है, मेरा हाथ पकड़ कर सब जगह लेके जाता है। मेरी माँ बहुत रो रही है देवी माँ, मेरे माँ के आंसू पोंछ दो, मेरे भैया की आंखें खोल दो देवी माँ प्लीज। देवी माँ
आपने मेरी बात सुन ली। मेरे भैया जल्दी ठीक हो जाएगी ना, जल्दी ठीक हो जाएगी ना मेरे भैया। यार शान, तेरी तो टेंशन ही खत्म। पता चले कि प्रेम हॉस्पिटल में और कोमा में, पर शान मिरेकल्स में ऑलवेज हैपन। मिरेकल तो हो चुका। Shame on you people. प्रेम, प्रेम हमारा क्लासमेट है, हमारा साथी है, उसकी जान खतरे में है। तुम लोग किस तरह की बातें कर रहे हो? टेंशन खत्म, मिराकल हो चुका। और शान तुम, चलो तुम्हें प्रेम पसंद नहीं तो बात मत करो उससे, उसे तुम्हारे पास मत आने दो, पर कम से कम इस तरह की बातें मत करो जिन्हें मुंह से निकलते ही शर्म आनी चाहिए। अरे हम बच्चे हैं, लड़ते झगड़ते हैं तो प्यार भी करते हैं, साथ साथ खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अरे हमें बड़े लोगों की तरह मन में गांठ बांध कर थोड़ी ही बैठ जाना चाहिए, एक दूसरे का बुरा थोड़ी ही सोचना चाहिए। एक बात और, प्रेम की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं तुम ही जिम्मेदार हो। तुम आश्रम देके चली गई। चलो मेरा तो दिल कर रहा है तुझे भी बिल्कुल तेरी नाम की तरफ बना दूं फालूदा। बेअकल के पैदलों, मैंने तुम लोगों से क्या कहा था कि सिर्फ उस बच्चे को उठा के यहाँ ले आओ और हुलचपाटा दे दो, लेकिन नहीं। अरे बाद में जयेश उसे जो भी बात करनी थी वो कर लेता और उसको उसे घर छोड़ देते। आज तुम दोनों की वजह से मुझे दो बातें सुननी पड़ रही है, समझे तुम? गलती हो गई भाई, इस बार माफ कर दो। क्या गलती हो गई? अगर उस चूसे को कुछ हो गया ना, अगर वो मर गया ना, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। गलती हो गई, अब जाओ खड़े खड़े मेरा मुंह कहता करो, जाओ। सॉरी सर, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, एक अनजान ग्रह के लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के लिए अगर हमें यह करना पड़े कि अपनी ही दुनिया के मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करें हम। सॉरी सर, मैं ये शोध नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को सेलेक्ट करना चाहता हूं। जेस, जेस तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, बिलीव मी, यकीन करो मुझ पर, ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी इंस्ट्रक्शन पे नहीं हुआ है। मैंने माना सर, मैंने ये भी माना कि उन गुंडों से आपने नहीं कहा था कि उस बच्चे को ट्रक से कुचल दो, और मैंने ये भी माना कि आपने उनसे नहीं कहा था कि उस बच्चे की जान ले लो। लेकिन जरा सोचिए सर, अगर दिन दहाड़े आपका बेटा या मेरी बेटी के साथ यह हादसा हो कि कुछ अनजान लोग उनका पीछा करें, उनको डराएं, धमकाएं, तो क्या वो इनोसेंट बच्चे घबरा नहीं जाएंगे? और इस घबराहट में उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है ना सर? थोड़ा सोच के देखिए, अगर इस हादसे में उस बच्चे की जगह आपका बच्चा हो। जेस, बस कर, बस करो, मुझे ऐसी बातें सुनना भी पसंद नहीं है। देखा सर, अपने बच्चे के लिए इतना दर्द, वो भी किसी का बच्चा है जो अपनी जान से खेल रहा है, इस सबसे हमने हासिल क्या किया सर? कुछ नहीं सर, हम उस बच्चे को सिर्फ इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि हमें उस स्पेसशिप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। लेकिन ये सब करके तो उल्टा हमारा मिशन खतरे में पड़ गया। अब कुछ नहीं हो सकता सर, कुछ नहीं हो सकता।
कम से कम आप मुझसे तो कुछ उम्मीद ना रखें। देखिए सर, मैं एक वैज्ञानिक हूं, एक इंसान, लालची हो सकता हूं, लेकिन एक अपराधी या हत्यारा कभी नहीं। मिसेस साहब, ये है डॉक्टर पराग मेहता, न्यूरो सर्जन। नमस्ते। नमस्ते। देखिए मिसेस साहब, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं प्रेम कोमा से बाहर आए, जल्दी ठीक हो जाए। ब्रेन पर प्रेशर की वजह से प्रेम कोमा में चला गया है। हम एक सर्जरी करके उस प्रेशर को कम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं, सर्जरी के नाम से लोग नर्वस हो जाते हैं, फिर आप तो एक माँ हैं। माँ भी और पिता भी, उसके लिए मैं और मेरे लिए मेरे दो बच्चे, हमारी छोटी सी दुनिया है। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी छोटी सी दुनिया को उजड़ने से बचा लीजिए डॉक्टर, मेरे प्रेम को बचा लीजिए, मेरे प्रेम को बचा लीजिए। आप प्लीज रोइए मत, आप भगवान पर विश्वास करती हैं? उनके अलावा और है एक को? बस उन्हीं को याद करके इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। गोपाल जी, मेरे प्रेम की रक्षा करना, मेरे प्रेम की रक्षा करना। सब लोग को जानते हो, फिर तो आप मेरे दोस्त प्रेम को भी जरूर जानते होंगे। वो कितना सोना है, बिल्कुल अपने नाम जैसा, फिर उसको इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो बाबा जी? क्यों? कुछ करो बाबा जी, कुछ करो, ऐसा चमत्कार करो कि प्रेम जल्दी ही ठीक हो जाए और कई रेसों में जीत जाए। वाहेगुरु। जीसस, आप तो जानते हैं जिसके बच्चे छीन जाते हैं उसे कैसा पेन होता है। प्लीज जीसस, मिथा आंटी को ऐसा पेन कहीं मत देना, और मेरे दोस्त प्रेम को बहुत जल्दी ठीक कर देना। प्लीज जीसस, प्लीज जीसस। देखा आपने, अपना आमिर दो तीन दिन से पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहा है। हाँ, खुदा से कुछ मांगना चाहता होगा। अरे अस्सलाम वालेकुम बाबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एक बात बताओ, ये तुमने नमाज पढ़ना अपनी अम्मी के कहने पर शुरू किया है या अपनी दिल की आवाज सुनकर? दोनों ही बातें अब्बा, अम्मी जो कहती है उस पर मैं यकीन करता हूँ, और आपकी बात मानकर मैं अपने दिल की बात जरूर सुनता हूँ। बस नमाज पढ़ने लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कुछ अल्लाह से मांगा तुमने? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? अबू मेरा फ्रेंड बहुत ही सीरियस है, पता नहीं अगर वो तुम्हारा दोस्त कौन बेटा? प्रेम, वो मेरे क्लासमेट है, वो दो दिन से बेहोश है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए अबू, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए अबू, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसे कुछ नहीं होगा बेटे, वो जरूर ठीक हो जाएगा। Yeah.
पापा, आपने ये अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया बेटा? प्रेम के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप ही जिम्मेदार है। कौन प्रेम बेटा? माय बेस्ट फ्रेंड, वही जिसके बारे में आप मम्मी को बता रहे थे, वही जिसकी कंडीशन इतनी डेलिकेट है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर नहीं, उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और प्रेम बहुत अच्छा लड़का है। बेटा तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, किसके बारे में बात कर रही हो बेटा? प्रेम जो जलेबी बाड़ा में रहता है। वो लड़का, वो प्रेम है। मुझे तो ये सोचकर ही शर्म आती है कि मेरे फ्रेंड की इस हालत के लिए मेरे ही पापा मेरे सुन बेटा, आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? टेल मी बेटा। बेटा मैं आपको बहुत प्यार करता हूं और आपकी कसम खा करके कहता हूं कि वो लड़का अगर आपका दोस्त नहीं भी होता तब भी मैं उससे मिलना जरूर चाहता था बेटा, लेकिन उसकी हालत के लिए मैं क्यों जिम्मेदार हूंगा बेटा? मैंने कुछ नहीं किया, बिलीव मी बेटा, मैं भी बाप हूं, मेरे भी एक बेटी है। इट मीन्स दैट इवन यू डोंट ट्रस्ट मी। जो हुआ सो हुआ, आई जस्ट प्रे फॉर माय फ्रेंड कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। स्नेहा, ये सब क्या देख रही हूं मैं? दो दिन से तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जवाब दो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? देखिए, मेरा दोस्त हॉस्पिटल में एंड ही इज वेरी सीरियस। जब तक वो हॉस्पिटल में मैं उसी के पास रहूंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। स्नेहा देखा जाए कितनी बदतमीज हो गई है। लीना वो बच्ची है, उसे डांटा मत करा करो, प्यार से बात किया करो। और ठीक ही तो कह रही थी वो, आफ्टर ऑल फ्रेंडशिप भी एक रिश्ता ही है। ये दोनों बाप बेटी ना मुझे पागल कर देंगे। तो पेशेंट नंबर 7 रिक्वायर यू इमीडिएटली सर। ओके, आई शैल बी देयर। ओके सर, यू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। He may require blood also. Sure, sir. Okay. नहीं, इतनी नर्वस मत होइए, हम सब साथ में हैं। Yes. प्रेम को ब्लड की जरूरत पड़ेगी, कितना ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव? डॉक्टर मेरा भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव ही है, और डॉक्टर मेरा भी। देखो बच्चों, ब्लड डोनेट करने से पहले हमें आपके पेरेंट्स से वर्बल या रिटन में एक्सेप्टेंस चाहिए, ओके? डोंट वरी डॉक्टर अंकल, वो भी हम अभी ले आएंगे। गॉड ब्लेस यू। चलो टोनी, लेट्स गो। डॉक्टर साहब, आप ब्लड की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यकीन मानिए कि ब्लड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई अश्योर यू। अरे प्रेम तो स्कूल का सबसे तेज स्टूडेंट है, सबका बहुत चहिता है। अगर उसके जीवन की रक्षा की बात आई ना, तो स्कूल का हर टीचर बच्चा बच्चा अपने आप आगे आएगा। क्या आपको कितनी ब्लड बॉटल्स की जरूरत है? फादर, जिस बच्चे को इतना प्यार मिला है, इतनी सिंपैथी मिली है,
उस बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। इस बच्चे को नया जीवन जरूर मिलेगा। हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। आप निश्चिंत रहिए। बहू भाई, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी का दुख नहीं। वो प्रेम की इस हालत से तो दुखी है ही, लेकिन उससे ज्यादा वो इस बात से दुखी है कि मैंने, यानी कि उसके पापा ने उसका विश्वास तोड़ा। देखो जय साहब, अब जो हो गया सो हो गया। नहीं, मैं मानता हूं हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन क्या है, वो क्या उसका नाम, हाँ, मेडिकल ट्रस्ट, वहां पे मैंने 2 लाख रुपए जमा कर दिए और वहां के डॉक्टर्स लोगों से कहा है कि भैया ठीक तरह उस लड़के की देखभाल करो। इतना ही नहीं बल्कि उनसे यहां तक कहा है कि इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे ना। पाप और पुण्य, एक बार अगर गंगा जल में हाथ धो लिए तो पाप भी साफ और हाथ के दाग भी साफ, है ना। सर, ये ब्रेन इंजरी का मामला है, इसमें पैसा नहीं, बच्चे का लक और आपकी दुआएं काम आ सकती हैं।